और कल्पना की शादी की विदाई होने के बाद आज हम लोग 5 दिन के बाद जा रहे हैं कल्पना को लेने के लिए। आज उनकी ससुराल से विदाई रहेगी, तो यहाँ पर फैमिली के सारे लोग जा रहे हैं। तो कई और भी गाड़ियाँ हैं जो पीछे लगी हुई हैं, तो इस गाड़ी में मम्मी, चाची और मैं बैठे हुए हैं और ये लोग आपस में बातें करने में लगे हुए हैं। बस हम लोग थोड़ी ही देर में कल्पना की ससुराल पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर हम सारे लोग अब पहुँच गए हैं, बस अब यहाँ से हम लोग थोड़ी ही देर में पहुँच जाएंगे उनके घर पर। और ये लीजिए, हम लोग पहुँच गए हैं उनके घर पर। अरे क्या बात है, अरे सर स्वागत हम इस पर दिया है आपको। हाँ समझ गए सर, मैं धीरे धीरे बोलता रहता हूँ ना। हाँ जी क्या बात है, स्वागत हम। अच्छा भाई साहब नहीं है क्या? पापा नहीं है, राजा बाबा स्वागत हम। ये तो बच्चा है आपका, इधर देखें, इधर देखें, चलो बैठे आओ घुमाए। वो बनी है ना, वही ना, तांबे का है ना, तांबे का है ना, नहीं अंदर सकी। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि मतलब इतना जल्दी समय होता है बच्चा, इतना छोटा दिन होता है। दांत दिखाओ अपने। नहीं पा रहा था, देर से सो रहे थे, आराम कर रहे थे। बाढ़ भी उठे थे हम पापा को, उनके यहाँ पे पूछ लें एक बार, बताएं कि ज़्यादा भूला बिकता, वहाँ पहुँच गए हम। जल्दी बोल तो अंदर जाने। ऐसी भी तो ढक के बैठी थी मम्मी, आई गई है कमरे पैदल के हम के बाहर याद नहीं रहता है, इसलिए अंदर ढक के पहले से खड़ी थी। दीदी मम्मी कह रही ये कौन? अरे हमने कहा आपकी बेटी आ गई है। उतार उतर नहीं पाएगा। अच्छा हम जब देख अभी आपके बच्चे हैं ना। हाँ हाँ सबसे बड़ा बच्चा बता रहा क्यों बाकी। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद अभी सारे लोग आ गए हैं छत पर धूप लेने के लिए, क्योंकि ठंड भी काफ़ी थी और धूप भी अच्छी निकल आई थी, तो धूप का आनंद तो लेना ही था। और चाचा अच्छे से खाट पर बैठे हुए हैं, कह रहे मुझे तो नींद आ रही, मन कर रहा सो जाऊं। और इसके बाद फिर अब हम लोग जाएंगे लंच के लिए, क्योंकि हम लोगों को निकलना भी है विदाई करा के, क्योंकि रास्ता दूर का है तो पहुंचने में भी 3-4 घंटे लग ही जाएंगे। तो इसलिए हम लोग फटाफट लंच कर रहे हैं और इसके बाद फिर तुरंत हम लोग घर के लिए वापस निकल लेंगे कल्पना की विदाई करा करके। तो यहाँ पर कल्पना के पैरों में विदाई से पहले जो है रंग लग रहा है और कल्पना आराम से सोफे पर बैठ के जो है पैरों में रंग लगवा रही हैं। और हमारे यहाँ भी ये रिवाज है कि विदाई से पहले जो है पैरों में रंग लगता है लड़की के, और इनके यहाँ भी रिवाज है कि पैरों में रंग लगाया जाता है, तो शुभ होता है ये। और पैरों में रंग लगने के बाद फिर बाकी की जो महिलाएं हैं उनके पैरों में भी रंग लगेगा, उसके बाद फिर विदाई का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। अच्छा अच्छा बिल्कुल, तुम मुझको दिखा रहे बैठो, तुम नहीं पीछे होना ठीक है। हाँ काची नहीं भैया बैठिए, हम बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर मम्मी सबका टीका करते हुए और यहाँ पर चाची मम्मी वगैरह सबका इन्होंने टीका किया है। अब जो हमारे जीजा जी हैं उनका भी टीका होने जा रहा है और इसी के साथ ही पूरे परिवार का टीका होगा।
आप आना जाना तो लगा ही है। हो गया रानी बेटी हमेशा यादें कैच करती रहती है। ये हम बनाए जी रहे हैं उसे हम भरने में लगे हैं और कोशिश है मेरी कि मैं अपनी जिंदगी में इसे व्यक्तिगत तौर पर अपने घर में तो भरूंगा। ये ऊपर नीचे का ऊपर नीचे के लड़की या लड़का इसको मैं समता पे लाने पर लगा रहता हूँ। इसीलिए मैं देखे होंगे कहीं भी अगर आपने कहीं भी झुका या कोई भी तो मैं बराबर भी झुका। आपने और क्या होगा, अगर आप भी झुक गए हैं तो मैं भी उतने झुक गया। मैं अपने को आपके बराबर, अगर आप नीचे कर रहे हैं तो मैं भी चलो मम्मी से मिल लो। चल यार इनको पिता करा कर ले जा रहे हैं। सुनो तो अब मैं आज कल ही रहूंगी परसों तो मैं फिर नहीं। दीदी से सुनाई नहीं दो कहा नहीं रसगुल्ला तो हम दिए दे रहे हैं ना। अरे रो मत बुलाओ लो सब है। रसगुल्ला कम हो गया था क्या? नहीं रोने तो नहीं सीरा हां चाहती थोड़ा कम थी तो वो बोल रही थी। कर ही नहीं पाओगे तुम चल जितना खूब अच्छे से रहो। भगवान हाथ पांव अच्छा रखे आपका खूब अच्छे से खूब खुश रहो। चलोगे बाय। कल बता देखो मामा अपनी गाड़ी रखेंगे ना। तो कल्पना की विदाई हम लोग करा करके इनके ससुराल से वापस घर आ गए हैं और यहाँ पर मम्मी जो है कल्पना की नज़र उतार रही हैं। नज़र उतारने के बाद ही ये घर के अंदर प्रवेश करेंगी। तो हम मैंने बोला कि कलश वगैरह रखना पड़ेगा क्या? बोली नहीं हम तो घर में खुद ही आ जाएंगे, अपना ही घर है ये भी। तो यहाँ पर देखिए कल्पना घर के अंदर चली आ रही हैं। प्रवेश का क्या होगा?